हेलो भाई, मैं हूँ सक्षम। तो आज भाई हम बैठ गए अपनी मारुति की ब्रेजा में। अब यार ये वही गाड़ी है जिसकी वीडियो अभी थोड़े दिन पहले इस चैनल पे आई थी। जिन लोगों ने यार वो वीडियो देख ली है बहुत बढ़िया है भाई। जिसने नहीं देखी है आई बटन में ऊपर लिंक डाल दूंगा, पहले वो जाके देखना, उसके बाद इस वीडियो पे आना, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। आज भाई हम इस गाड़ी को चला के देखते हैं कि भाई मारुति का जो अपना AMT गियर बॉक्स है ब्रेजा में किस हिसाब से चलता है। इंटीरियर अगर दिखाऊं भाई, तो मैंने उस वीडियो में ये बताया था, भाई हमारे यार थोड़े शौकीन टाइप के आदमी है, तो सारा यार उन्होंने ना इंटीरियर इसमें बदलवा दिया है। टॉप वेरिएंट भाई ये है, लेकिन फिर भी उनको इसके इंटीरियर से मज़ा नहीं आया था, तो ये पूरा अपना लेदर रैप करा दिया था। यहाँ पे भी देखें तो पूरा लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, इधर भी बात करें तो भाई पूरा ब्राउन एलिमेंट ऐड करा दिया है। चला के यार थोड़ा सा इस गाड़ी को देखते हैं AMT इसका कैसा रिस्पॉन्स करता है। फिलहाल भाई मैं इसको चला लेता हूँ, 40 की स्पीड भाई अपनी हो रखी है, आराम से भाई चला रहा हूँ। एक बारी खींच के दिखाता हूँ कैसा इसका रिस्पॉन्स रहता है। ढाई हजार RPM के ऊपर भाई ये गाड़ी बिल्कुल उठती है, उसके नीचे थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि गियर कब बदलना है, कौन सा गियर डालना है, गाड़ी को समझ नहीं आता। 2 सेकंड के बाद समझ पाती है और उसके बाद उठती है भाई। देखो फिर देखना, अभी अपना नॉर्मल मैंने पंजा छोड़ा हुआ है, जैसी पंजा दबाऊंगा RPM देखना कैसे ऊपर जाएगा। ये कंफ्यूज हुई, समझ आया कौन सा जाना है, उसके बाद 2000 RPM के ऊपर उठनी शुरू होती है। देखो भाई टाइम लगाती है AMT जैसे मारुति की है हर गाड़ी, वही भाई टाइम ज़रूर लगाती है, लेकिन वही है 2500 RPM के ऊपर उठती है। इस टाइम का भाई जो फ़ायदा होता है वो होता है भाई माइलेज में, 11-12 की माइलेज भाई दे देती है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। वरना भाई सबको पता है कोई भी गाड़ी जो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है भाई, AMT ले लो, टर्बो चार्जर ले लो, या फिर भाई अपना IMT आ गया, DCT आ गया, भाई CVT कुछ भी ले लो भाई, 10-11 की माइलेज नहीं देता। ये गाड़ी भाई 10-11 की दे देती है, उसका रीज़न भाई यही है इसका AMT गियरबॉक्स। वापस से अगर भाई चला के देखते हैं, देखो गाड़ी कन्फ्यूज़ हुई गियर कौन सा डालना है, उसके बाद एकदम से उठी है। शार्प टर्न्स पे देखते हैं भाई बॉडी रोल कितना है, तो ना के बराबर है भाई, काफ़ी अच्छा वेल कंटेंट भाई इसका बॉडी रोल देखने को मिल जाता है। थोड़ी सी भाई स्पीड पकड़ लिया, 80 की स्पीड पे हम आ गए हैं। अगर ब्रेकिंग की ट्राई करता हूँ भाई, इस गाड़ी के ब्रेक भाई पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड है। पहले की यार जो मारुति गाड़ियाँ थी, जो स्विफ्ट इन्होंने निकाली थी, डिज़ायर निकाली थी, या फिर जो पुरानी ब्रेजा है अपनी भाई, आ गई हमें दिख गई है, ये रही है देखो भाई, इसकी ब्रेक्स के मुकाबले भाई नई वाली की ब्रेजा की ब्रेक काफ़ी यार मेरे को अच्छी लग रही है चलाने के मामले में। तो इस गाड़ी में यार अपना ना एक पेडल शिफ्टर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब भाई पेडल शिफ्टर एक्सेस कैसे करने हैं, पिछली वीडियो में यार ये दिखाने ना रह गए थे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। पेडल शिफ्टर के लिए यार हमें गाड़ी डालनी पड़ेगी अपनी मैनुअल में। एक बारी मैनुअल में भाई गाड़ी डल गई है, यहाँ पे देखो M3 लिखा गया, यानी कि तीसरे गियर में गाड़ी है। अब भाई ये अब शिफ्ट नहीं करेगी जब तक मैं यहाँ से पेडल शिफ्ट नहीं करूँगा इसका, देखना। तो अगर भाई हाईवे पे आपको ओवरटेक करना है, थोड़ा चाहिए ना, नहीं अब मेरे को AMT नहीं चाहिए, अब थोड़ा मैनुअल वाला मज़ा चाहिए, भगानी है मेरे को, खींचनी है गाड़ी, तो भाई ये कर सकते हो। अभी आप शिफ्ट नहीं करेगी जब तक मैं ये करूँगा। तो ये देखो भाई M3 से M4 आ गई है, माइलेज अपनी बढ़ चुकी है। अब ऐसी मेरे को अगर डाउन शिफ्ट भी करना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, एकदम से देखना पुल मिलेगा। ये देखो भाई एकदम से पुल मिलता है, तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है भाई, जो कि बाकी मारुति कार्स में नहीं आता है। उसमें यार यहीं पर प्लस माइनस बना आता है, अलग से एक सेक्शन सा देते हैं। अब देखो ये खींचती रहेगी लेकिन अब शिफ्ट नहीं करेगी, अब करेगी भाई क्योंकि मैनुअल मोड पे चल रही है। चलने में भाई कोई दिक्कत नहीं है। बात करें बॉडी रोल की, तो यार मेरे को इतनी ऊंची होने के बाद भी 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भाई ऑफर कर देती है। वापस से एक बार यार इसको मैनुअल में से अपना ऑटोमेटिक कर देते हैं, 200 mm का भाई ग्राउंड क्लियरेंस है, उसके बाद भी कोई खास इसमें ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से भाई इशू आता नहीं है अपनी बॉडी रोल में। बॉडी रोल में भाई कोई भी इशू नहीं है 200 mm के ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद भी। तो ये थी भाई वीडियो अपनी, छोटी सी वीडियो थी भाई, ज़्यादा कोई बढ़िया वीडियो थी नहीं, जस्ट एक चलाने का भाई मेरे को आपके साथ शेयर करना था कैसी लगती है भाई ब्रेजा AMT 2022 वाली। यहाँ तक आयो, यहाँ तक वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच भाइयों, ऐसी आते रहना, ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू भाइयों, बाय बाय।